जी हाँ, आम आदमी को क्या चाहिए, लस्सी पी ले, बर्फ डाल के आम का थोड़ा मिल्कशेक बना ले। लेकिन ये सरकार चाहती नहीं आम आदमी की गर्मियाँ सुकून से निकल जाए। मिल्कशेक नहीं पीती हूँ जी, चाय वाला तो मेरा लॉयल्टी है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन था कि अगर पनीर पे 5% GST है, बटर पे 12% और मसाले पे 5, तो क्या पनीर बटर मसाला पे 22% का GST देना पड़ेगा हम लोग को? कौन है ये, क्या है ये? You want a GST or not talking? See, please. Curd and milk पे GST है क्योंकि वो बजट का अलवा का इंग्रेडिएंट नहीं है। अरे और सिर्फ फ्री फूड आइटम्स पे ही तो GST है। तो थैली में डलवा दो, GST से फ्री फ्री हो जाएगा। No, CM sir, this is my show. This is not your लोकसभा। अरे अरे बोलने तो दे मेरे को। एक्चुअली एक जिक्की का क्वेश्चन था, ये अगर दही पे GST है तो दिमाग के दही करने पे GST होगा, क्योंकि फिर मेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा। बाहर निकल कर रही है, परेशान हो गए हैं। Yes, Nimmo ji, we want to ask ki why is GST on hospital beds? See, we take birth on hospital beds and we die on hospital beds. So why not we be thankful? अरे कल को ये लोग कह देंगे सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन पे भी GST लगवा देंगे हम, लगवा दो ठीक पे GST। No, CM sir, I've told you this is my show, my rules. You don't talk unless I ask you. Nirmala ji, diamonds pe GST? See, कुछ समय बाद पनीर तो सोनार की दुकान पे इतनी इतनी थैलियों में मिलेगा, तो डायमंड्स के लिए जगह बनाना पड़ेगा। हम करें तो क्यों करा, करना बंद करो ना, परेशान हो गए हम भी, परेशान हो गए ये आदमी तो परेशान कर रहा है हमको, तब से परेशान ही परेशान। केजरीवाल जी, आप बार बार डिबेट का कचरा कर रहे हो, टेक यू आउट नाउ। कचरा, मैं खुद जा रहा हूँ। अर्भन, डू आई हैव टू टॉक अबाउट GST? नो, यू डोंट हैव टू। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट? घर की बात है, कोडिंग की पेमेंट पेडिग्री आने वाली है। वी विल इंक्लूड योर पेमेंट इन द नेक्स्ट बजट।